महानगर में नगर निगम द्वारा इलेक्ट्रिक बसों का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब मोतीराम अड्डा, महावीर छपरा, पिपराइच और मिर्जापुर बाजार रूट पर भी इलेक्ट्रिक बसें संचालित होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बस संचालित होने से ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की लगातार मांग करने पर नगर निगम ने 3 रूटों पर इलेक्ट्रिक बस चलाने का निर्णय लिया है। अभी महानगर में 15 बसें संचालित हैं, लेकिन जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 इलेक्ट्रिक बस और 2 टूरिस्ट बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि पहले चरण में 15 बसें महानगर के सड़कों पर चल रही हैं। आम जनमानस के सहयोग से इलेक्ट्रिक बस विभिन्न स्थानों से पूरी तरह से फुल चल रही है। इसी को देखते हुए 10 इलेक्ट्रिक बस और 2 टूरिस्ट बस शहर में आ चुकी है, जो मोतीराम अड्डा, महावीर छपरा, मिर्जापुर बाजार पर प्राइस तक चलाने का फैसला लिया गया है। इस रूट पर इलेक्ट्रिक बस चलने से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग चिकित्सा, कोर्ट कचहरी, पढ़ाई, जॉब के उद्देश्य से आते हैं, तो उनको काफी सुविधा मिलेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, अंदर से शीशा मार दिया है जनी। आपके भी संज्ञान में होगा कि गोरखपुर नगर की जो सबसे बड़ी समस्या अगर है वो है यातायात में जाम की समस्या। यातायात का कोई भी सस्ता सुलभ साधन का ना होना, और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर के लिए 25 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात भेंट की थी, और उसी के क्रम में प्रथम चरण में 15 इलेक्ट्रिक बस यहाँ पर आई थी, जो कि शहर के विभिन्न हिस्सों में चल रही थी। उसके पश्चात अभी 10 इलेक्ट्रिक बस और 2 टूरिस्ट बस और आ चुकी हैं, जिनको कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अतिशीघ्र हरी झंडी दिखाकर शहर की सड़कों में चलाया जाएगा। लेकिन जो पहले चरण में 15 बसें आई थीं, उनका आम जनमानस के में जो इतना अच्छा रिस्पांस देखने को आया कि हमारी जितनी भी बसें चल रही थी, चाहे वो शहर से लेकर सजनवा वाले रूट पे ले लीजिए या भदाहट, सोनबरसा आदि, पूरी तरह से फुल चल रही थी और आम जनमानस की बराबर डिमांड थी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, विभिन्न एनजीओ के माध्यम से, कि और बड़ी संख्या में इन बसों को चलाया जाए और जो हमारे कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको भी इससे जोड़ा जाए। इन्हीं को देखने के लिए जब हमारे पास 10 नई इलेक्ट्रिक बस और 2 टूरिस्ट बस आ चुकी हैं, तो हम लोगों ने इनको जो पब्लिक की डिमांड है उसके अनुसार मोतीराम अड्डा, महावीर छपरा, मिर्जापुर बाजार, पिपराइच आदि जगहों पर चलाने का फैसला लिया है, जो कि रूट जो है जनप्रतिनिधिगण ने दिए हैं। और निश्चित रूप से इस रूट पर चलने से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से डेली लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे चिकित्सा के उद्देश्य से, चाहे कोर्ट कचहरी के उद्देश्य से, चाहे पढ़ाई के उद्देश्य से, उनको निश्चित रूप से एक एसी इलेक्ट्रिक बसों के चलने से बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। इसके साथ साथ जो टूरिस्ट बस चलेंगी एयरपोर्ट से लेकर रामगढ़ ताल और अन्य जगहों पर जाएंगी, उनसे जो गोरखपुर आने वाले पर्यटक हैं, चाहे वो प्रदेश से आ रहे हों, देश से आ रहे हों, चाहे विदेश से आ रहे हों, निश्चित रूप से उनको भी बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। और इस प्रकार ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार गोरखपुर को भेंट प्रदान की जा रही हैं, उसी के कड़ी में आम जनमानस ने मांग को देखते हुए माननीय जी ने 25 और बस, इसके अलावा जो टोटल 27 बस हैं, इनके अलावा 25 और बसों की सौगात देने का फैसला लिया है। इसके लिए नगर निगम ने
नगर विकास विभाग को अपनी जो एक एप्लीकेशन थी, एक जो पत्र था 25 बसों के संबंध में, उसको ऑलरेडी भेज दिया है और बहुत से शीघ्र वो बसें भी यहाँ पे आ जाएंगी। और इसके बाद मेरा मानना है कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र भी पूरी तरह से संतृप्त हो जाएगा और एक बहुत ही सस्ता, सुलभ, बहुत कम पैसे में एसी बस से, जिसमें कि कोई साउंड नहीं होगा, लोग यात्रा करेंगे और उनको बहुत ही अच्छा महसूस होगा।